कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टौतरशत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस सीसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की यदि प्रभुपाद न होते तो की होते तो ये वर्ष 2021 जो प्रारंभ हो चुका है ये विशेष वर्ष है। इस्कॉन के भक्तों के लिए या प्रभुपादानुगों के लिए प्रभुपाद अनुग कौन है प्रभुपादानुग कौन है? अच्छा कुछ अपना हाथ ऊपर करके दिखा रहे हैं, मैं भी हूं, मैं प्रभुपादानुग। तो अनुग प्रभुपाद 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 और अनुग उनके उनके जो अनुयायी है श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है या उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करने वाले जो है वे हुए प्रभुपादानुग। तो हम सब प्रभुपादानुग है तो हम प्रभुपादानुगों के लिए ये वर्ष विशेष वर्ष है। क्या वैशिष्ट है इस वर्ष का? ये श्रील प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद का 125वां जन्म का वर्ष है। श्रील प्रभुपाद जन्मे थे 1896 में, तो 125 वर्ष बीत चुके हैं, बीत रहे हैं इस वर्ष। तो ये 125th बर्थ एनिवर्सरी ईयर है हम इस्कॉन के या प्रभुपादानुगों के लिए। तो हरी हरी 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की। तो वर्ष के प्रारंभ में ही हम आपको स्मरण दिला रहे हैं और ये पूरे वर्ष भर के लिए ये उत्सव ये एनिवर्सरी उत्सव हम मनाते जाएंगे। इस्कॉन मनाएगा, इस्कॉन मतलब क्या है? आप इस्कॉन हो, हम इस्कॉन है उनके सदस्यों से इस्कॉन इंस्टीट्यूशन या संस्था बनती है। अगर सदस्य ही नहीं है तो इंस्टीट्यूशन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसमें लोग या भक्त संगठित ही नहीं हुए है तो वो संघ कैसे हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो वह इस्कॉन को हिंदी में कहते हैं
अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। तो इस संघ में हम संगठित हुए हैं, तुम्हारे संगठित होने के कारण हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिम भजता सदैव चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वद्वान तृप्तान हरिभक्त संघान। वह हरिभक्त संघ संघान या हरिभक्तों को जब श्री प्रभुपाद देखते हैं, ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं श्री प्रभुपाद। तो यानी संघ, तो हम इस प्रकार जो संगठित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, और एकत्रित होना जरूरी है, एकत्रित होने से ही तो फिर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। और संगठित होने से ही होता है, संगठन से होता है, क्या होता है, संघे शक्ति कलौ युगे कहा है, संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में शक्ति का प्रदर्शन होगा, संघ से अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे लोग संगठित होके, जो करते रहते अलग अलग यूनियंस है, ये लेबर यूनियन दिस कल इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, और फिर उद्देश्य कुछ गलत भी हो सकता है, होता ही अधिकतर, लेकिन अपने शक्ति का प्रदर्शन तो करते ही है, या शक्ति का प्रदर्शन होता है संगठन से, यूनाइटेड वी स्टैंड जिसको कहा है। तो वो तो इस वर्ष हमको संगठित होना है, संगठित होना है। हरि हरि। प्रभुपाद कॉन्शियस होते हुए इस साल प्रभुपाद की अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद का स्मरण, प्रभुपाद की के भाव हमको जागृत करने हैं, और उन भावों के साथ हमको इकट्ठा होना है, और शक्ति का विरूप, प्रभुपाद शक्ति का या कृष्ण शक्ति का प्रदर्शन होगा। या भक्ति के शक्ति का प्रदर्शन होगा, या हरिनाम के शक्ति का प्रदर्शन होगा, इकट्ठे होके हम प्रभुपाद ने जो हमको संदेश दिया है, चैन हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी संदेश है, या केवल चैंट कहा है, प्रभु के नामों का उच्चारण करो, शेष हरी हरी। तो श्रील प्रभुपाद नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, नमस्ते, नमस्कार श्रील प्रभुपाद के चरणों में नमस्कार, नमस्ते सारस्वते देवे, सरस्वती नहीं कहना है, सुधरो आप, कब सुधरोगे,
या सुधार करके कब कहोगे नमस्ते सारस्वते कहना है। श्रील प्रभुपाद ने स्मरण दिलाया था, दिस इज प्रोनाउंसिएशन की बात है, उच्चारण की बात है। हम सब अधिकतर गलत ही उच्चारण करते हैं। प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा था, प्रभुपाद एक शिष्य को कहना है सरस्वती नहीं, ये वो लक्ष्मी और सरस्वती में से सरस्वती नहीं है, ये सारस्वते देवे है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य, इसीलिए श्रील प्रभुपाद नमस्ते सारस्वते सारस्वते ऐसा संबोधन या प्रार्थना में हम सारस्वते कहते, सारस्वते कहो आप। और मेरी ओर से आप थोड़ा औरों को भी सुनाइए या दिलाइए कि सरस्वती कहना गलत है। हमारे फाउंडर आचार्य को जब हम प्रणाम करते हैं तो हम उसका उच्चारण सही नहीं करते हैं, तो लेट अस डू दिस, इस साल हम सुधार करके ये प्रणाम मंत्र कहते हैं। तो नमस्ते सारस्वते कहो, सारस्वते नमस्ते सारस्वते कहा अर्जुन, यू आर सेइंग नमस्ते सारस्वते, डो नॉट से नमस्ते सरस्वती देवे, सरस्वती नहीं या कोई सरस्वती। वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती है उनका नाम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो उनके शिष्य को संबोधन करते हम पुकारते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो नमस्ते सारस्वते देवे। सो आई वांट 752 भक्त मुझे सुन रहे हैं, तो आप थोड़े एजेंट बनो और हमारी ओर से और हमारे कीर्तन मिनिस्ट्री की ओर से भी आप थोड़ा भक्तों को स्मरण दिलाओ, जब जब वो सरस्वती कहते हैं तो कहो नहीं दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। यू विल डू दिस, आप करोगे, आप गलत उच्चारण नहीं करना, और जब गलत उच्चारण करते हैं तो उनको कहो। प्रभुपाद भी उन्होंने नाराजगी अपनी व्यक्त की थी, इसलिए पत्र लिखा था एक शिष्य को, नहीं नहीं नॉट सरस्वती सारस्वते देवे। तो वे सारस्वते श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारी ने चैतन्य महा या गौरवाणी का प्रचार किए श्रील प्रभुपाद, और गौरवाणी का प्रचार करते हुए फिर क्या किया, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिण ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी ने, पाश्चात्य देश को उन्होंने बचाया, पाश्चात्य देश की रक्षा की, किससे रक्षा की, निर्विशेषवाद और शून्यवाद से रक्षा की। ये शून्यवाद तो बुद्ध देव ने ये शून्यवाद का प्रचार किया था, और हरी हरी और शंकराचार्य निर्विशेषवाद का प्रचार किए, अद्वैतवाद का प्रचार किए, और ये प्रचार प्रसार सारे विश्व भर में फैले हैं।
शून्यवाद और निर्विशेषवाद, तो उनसे बचाए श्रील प्रभुपाद, पाश्चात्य देश को बचाए। अरे हम लोग तो पाश्चात्य देश के नहीं है, आप कहोगे हमको भी तो बचाया है, तो ये पाश्चात्य देश तारी नहीं क्यों कहा है? आप समझ रहे हो, ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है, ये पाश्चात्य देश तारी ने क्या है? पाश्चात्य देश के लोगों को थोड़े ही, उनको ही बचाया, लेकिन उनको ही, केवल उनको ही नहीं हमको भी, पौर्वात्य पौर्वात्य, केवल वेस्टर्न ही नहीं ईस्टर्न, पूर्व से होता है पौर्वात्य, तो हम ईस्टर्न कंट्रीज के लोगों को भी तो बचाया। तो ऐसे ही जो श्री प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र की रचना हुई, और हाँ ये प्रणाम मंत्र आप कह सकते हो, ऐसा श्री प्रभुपाद ने सभी को आदेश और आशीर्वाद दिए। तो उस समय ये इस्कान का प्रचार या श्री प्रभुपाद का प्रचार पाश्चात्य देशों में ही हो रहा था, मतलब बिफोर 1970 के पहले ये प्रणाम मंत्र की रचना हुई, 1970 के बाद में श्री प्रभुपाद भारतवर्ष लौटे, और फिर 1971 में हम श्री प्रभुपाद से मिले, हरी हरी और भी मिले। तो वह तो जब रचना हुई तो दो बार तो कह ही दिया इस प्रणाम मंत्र की, तो उस समय पाश्चात्य देश में प्रचार हो रहा था, तो वो तो मंत्र जो रचित मंत्र उसी का ही हम अब भी प्रयोग करते हैं। और लेकिन समझना चाहिए पाश्चात्य देश को ही नहीं, पौर्वात्य देशों को भी प्रभुपाद बचाए। क्यों बचाए, कैसे बचाए? गौरवाणी का प्रचार करते हुए, गौरांग 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 गौरांग। तो श्रील प्रभुपाद का वैशिष्ट्य कहो या उनके प्रचार का वैशिष्ट्य कहो, क्या है? ये गौरवाणी प्रचारी ने गौरवाणी का प्रचार किए, नो मेंटल स्पेकुलेशन ऑफ कोर्स, मनोधर्म की बात नहीं किए श्री प्रभुपाद। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो श्री चैतन्य अभिष्ठ, चैतन्य महाप्रभु का मनो अभिष्ट, जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उनके क्या विचार है, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या योजना है, उनका क्या, उन्होंने कौन सी भविष्यवाणी की, चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे, कौन से धर्म का उन्होंने प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान ने कौन से धर्म की स्थापना की, यह सब समझ के इसका साक्षात्कार के साथ फिर श्रील प्रभुपाद उस गौरवाणी का प्रचार किए हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। तो उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया, तुम पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, तुम बड़े बड़े बुद्धिमान लगते हो, तो मैं तो कहूंगा, कहते रहता हूं, उस कोलकाता में 1922 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था,
अभय बाबू की ओर उंगली करते हुए जो अभी अभी आए थे और प्रणाम करके अभी पूरे बैठे भी नहीं थे, इतने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उंगली करके दी, तुम यू पाश्चात्य देश में प्रचार करो। तो ये बात तो कही है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुखारविंद से वचन तो निकले हैं, लेकिन इसके वक्ता मूल वक्ता तो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुख का या जीवा का उपयोग किए हैं या श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को निमित्त बनाए हैं, आदेश देने के निमित्त बने, लेकिन यह आदेश तो भगवान का ही आदेश, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ही आदेश वहां हो रहा था। अभय बाबू को जो भविष्य में बन गए हमारे श्रील प्रभुपाद की, तो श्रील प्रभुपाद ने गौरवाणी का प्रचार किया, तो ऐसे राम का प्रचार और कृष्ण का प्रचार तो हो ही रहा था, लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने किए हुए प्रचार की आवश्यकता थी। राम के भी कृष्ण के भी, किंतु साथ में चैतन्य महाप्रभु के प्रचार, और ये नहीं कि राम से कृष्ण भिन्न है या कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु भिन्न है, राम ही है कृष्ण, कृष्ण ही है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो हरी हरी अयोध्या सबको पता थी, वृंदावन मथुरा को सभी जानते थे, लेकिन मायापुर नवद्वीप का किसको पता था? तो श्रील प्रभुपाद नवद्वीप मायापुर को प्रकाशित किए, He has revealed, या कुछ लोग कुछ सीमित संख्या में ही लोग जानते थे मायापुर नवद्वीप को, तो श्री प्रभुपाद ब्रोक द न्यूज और इस बात को सारे विश्व भर में फैलाए, मायापुर को प्रकाशित किए। उन्होंने मायापुर फेस्टिवल ही प्रारंभ किया और फिर यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है, हु इज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और उनका लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, चैतन्य चरित्र, चैतन्य चरितामृत का अंग्रेजी में अनुवाद किए श्रील प्रभुपाद, और फिर कहे कि ये चैतन्य चरितामृत का अब अनुवाद करो संसार के एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल, जितने अधिक से अधिक भाषाओं में आप अनुवाद कर सकते हो। तो ऐसे अनुवाद होते गए, उसी के साथ जो केवल बंगला भाषी या उड़िया भाषी ही कुछ जानते थे चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को,
या धाम को, तो अब ये चैतन्य चरितामृत अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ते हुए संसार भर के लोग, संसार भर के जीव जो भगवान के ही है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वे परिचित हुए मायापुर धाम से। और फिर मायापुर बन गई मक्का विश्व भर के गौड़ीय वैष्णवों की, विश्व भर के गौड़ीय वैष्णवों की मक्का, मक्का या जैसे मुसलमानों का तीर्थ स्थान मक्का है, या जेरूसलम क्रिश्चियन का है, या सिख भाइयों का अमृतसर है, तो वैसे गौड़ीय वैष्णवों का तीर्थ है मायापुर धाम की। हरि हरि। और चैतन्य महाप्रभु ने किया भी था स्वयं कीर्तन और नृत्य। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माध्यन मनस रसेना, हम गाते रहते हैं। तो महाप्रभु, महाप्रभो कहना है, महाप्रभु नहीं कहना है। दिस इज अगेन अनदर करेक्शन। महाप्रभो मतलब महाप्रभु का, समझे? इतने आसानी से नहीं समझोगे, आप मुंडी तो हिला रहे हो और सुनने के बाद भी तो आप महाप्रभु कीर्तन नृत्य चले गए आपका, लेकिन सही तो है महाप्रभो। थोड़ा सॉन्ग बुक में देखा करो, जो गलत उच्चारण करते उनको सुनते हैं और हम ब्लाइंडली वी फॉलो। ऐसे हम भी गलत उच्चारण का फिर दोहराते रहते हैं। थोड़ा ध्यान दो, सॉन्ग बुक खोल के थोड़ा नए भक्त बन के उसका डायक्रिटिक वगैरह देखो, शॉर्ट लॉन्ग और प्रभु है कि प्रभु है कि, और नमस्ते सारस्वते भी लिखा है, सरस्वती नहीं लिखा है, सॉन्ग बुक में पढ़ना। तो महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, महाप्रभु ने किया कीर्तन और नृत्य और वादित्र्य। वादित्र्य मतलब वाद्य, वाद्य बजते थे। वैसे परिभाषा के दृष्टि से संकीर्तन, संकीर्तन उसके उसको कहते हैं जब कम से कम तीन बातें तो होती ही है। वो कौन सी है? जब कीर्तन होता है और वाद्य बजते हैं और नृत्य होता है, ये तीन होने चाहिए, तो फिर संकीर्तन, सम्यक प्रकार से कीर्तन हुआ। और ऑफ कोर्स मनसो रसेना, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, हमारे भाव और भक्ति, मन की स्थिति कैसी है, तो फिर संकीर्तन हुआ। तो ऐसा संकीर्तन स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किए। और फिर भविष्यवाणी भी की, पृथ्वी ते अक्षजत नगरादि ग्राम, और सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, इसको भी कंठस्थ करो। आप प्रचारक हो, यू आर प्रीचर्स। तो ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को कंठस्थ करो, हृदयंगम करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी
की थी या की हुई है, मेरे नाम का प्रचार होगा, सर्वत्र प्रचार होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका प्रचार सर्वत्र होगा, हर नगर हर ग्राम में होगा, हरी हरी। तो इसके लिए फिर प्रभुपाद कई सारी योजना बनाए ताकि हरि नाम का प्रचार हो। श्रील प्रभुपाद ही नगर संकीर्तन प्रारंभ किए, पहले तो 26 सेकंड एवेन्यू, नॉट रियली, उसके पहले भी प्रभुपाद फुटपाथ पर कीर्तन करते थे, फुटपाथ। न्यूयॉर्क के फुटपाथ पर अक्षरशः वहां बैठ के प्रभुपाद कीर्तन करते थे। पब्लिक चैंटिंग फुटपाथ पर शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे श्री प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू नाम का स्थान मैनहट्टन न्यूयॉर्क में किराए का स्थान लिया और मैंने साइन बोर्ड नहीं उतारो, एक साइन बोर्ड था तो उनके अनुयायियों ने अगर स्वामी जी साइन बोर्ड लगा हुआ है उसको उतार दे, तो पहले का जो दुकानदार था उसने दुकान तो शिफ्ट किया लेकिन अपना साइन बोर्ड तो वही छोड़ के गया था वो। तो वह प्रभुपाद पूछे क्या लिखा है, तो लिखा था मैचलेस गिफ्ट्स। तो प्रभुपाद जब सुने कि उस साइन बोर्ड पर लिखा है मैचलेस गिफ्ट्स, तो प्रभुपाद कहे ना डोंट टच इट, लेट इट बी देयर, वही रहने दो, ये सही है साइन बोर्ड, क्योंकि जो भेंट मैं लेके आया हूं और जिस भेंट का मैं अब इस स्थान से वितरण कर रहा हूं, ये भेंट ये गिफ्ट्स कैसी है, मैचलेस गिफ्ट्स है। तो वो साइन बोर्ड वही रह गया और वही से श्रील प्रभुपाद हो इस्कॉन का वो पहला स्थान रहा थोड़ा ऑफिशियली, वेरी फर्स्ट सेंटर वो मैचलेस गिफ्ट शॉप जो किराए का लिया हुआ था। तो वहां पर अब कीर्तन और नृत्य और प्रसाद वितरण सब प्रारंभ हुआ और फिर धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में गए, न्यूयॉर्क में सब फेमस पार्क टॉमकिंस स्क्वायर पार्क। तो वहां श्रील प्रभुपाद कीर्तन प्रारंभ किए और फिर वो वही स्थान है आपने देखा होगा, प्रभुपाद एक पेड़ के बगल में खड़े हैं, काफी उसका तना बड़ा है, ऊंचा पेड़ है, प्रभुपाद ऐसे स्टैंडिंग और कुछ लोग प्रभुपाद के सामने खड़े हैं और प्रभुपाद को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रभुपाद इज एड्रेसिंग देम, याद है आपको, आपने देखा होगा वो चित्र, वो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क का है। तो इन 1996 अभी आई हैड वाइंड अप, सो 1996 में श्रील प्रभुपाद का 100th बर्थ एनिवर्सरी उत्सव मनाया।
जन्म शताब्दी महोत्सव, जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया और बहुत विशेष आयोजन रहा। अब क्या कहा जा सकता है, कह सकते हैं। और इस्कॉन ने, जीबीसी ने एक मिनिस्ट्री का एक गठन किया हुआ था। श्रील प्रभुपाद सेंटेनियल मिनिस्ट्री, सेंटेनियल मिनिस्ट्री, तो सेलिब्रेशन तो होना था 1996 में, किंतु ये मिनिस्ट्री की स्थापना तो 92 में की। और जीबीसी ने मुझे आदेश दिया या मुझे मिनिस्टर बनाया था, तो हम सेंटेनियल, एज ए सेंटेनियल मिनिस्टर, वो सारे उत्सव की तैयारी कर रहे थे। 80% प्लानिंग, ऐसी समझ होती है, 80% प्लानिंग, 20% एग्जीक्यूशन के लिए समय या शक्ति या रिसोर्सेज का उपयोग होना चाहिए। तो हम चार साल तैयारी कर रहे थे, वो मेकिंग अ मास्टर प्लान फॉर सेलिब्रेशन। फिर पांचवें साल, फिर 1996 में, पूरे साल भर के लिए 1 जनवरी से प्रारंभ किए वो सेलिब्रेशन, और 31 दिसंबर 1996 तक चलता ही रहा। और हरी हरी, तो कई सारी योजनाएं थी, हरी हरी। तो अब पुनः वैसा ही कुछ ये साल 2021 है, जब श्रील प्रभुपाद के 125th एनिवर्सरी को इस्कॉन मना रहा है। मतलब आप मनाओगे, आपके बिना क्या इस्कॉन का अस्तित्व ही नहीं है। तो हम सब मिलके ये उत्सव मनाएंगे पूरे साल भर के लिए। तो देखो आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो मैंने जैसे थोड़ा सा हल्का सा किसी बात कही, वी हैव टू बिकम प्रभुपाद कॉन्शियस, प्रभुपाद कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा। Who is Srila Prabhupada? Who was or who still is Srila Prabhupada? Kaun hai Srila Prabhupada? Srila Prabhupada ka main itna hi kahunga abhi, aur bhi bhavishya mein kehte jayenge samay samay par. Srila Prabhupada ka jo jeevan charitra hai, क्योंकि आप श्रील प्रभुपाद से नहीं मिले, जब श्रील प्रभुपाद विद्यमान थे, नहीं देखे आप श्रील प्रभुपाद को, उनको नहीं सुने आप, तो हुआ श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र, प्रभुपाद लीलामृत ऐसा उसका नाम है, उसको ग्रहण करना। आपके पास अगर नहीं है, है आपके पास, श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास है प्रभुपाद लीलामृत, है, यू हैव इट, गुड, वेरी गुड। सत्य भावा माता जी के पास भी है, और पद्म सुंदरी के पास भी है। तो जिनके पास नहीं है, और संभावना है कि अधिकतर भक्तों के पास नहीं होगा, प्रभुपाद के बुक्स होते हैं, गीता भागवत होते हैं, लेकिन लीलामृत भक्त थोड़ा कम ही लेते हैं। तो दिस इज द ईयर, इस साल की शुरुआत में ही आप देखना कि आपके लाइब्रेरी में, आपके ग्रंथालय में प्रभुपाद लीलामृत है,
या नेक्स्ट टाइम जब इस्कॉन टेंपल जाओगे, कल रविवार है, कल भी अगर जा सकते हो या मंगा सकते हो प्रभुपाद लीला अमृत, और उसका उसका आप अध्ययन करो, जानो श्रील प्रभुपाद को, समझो श्रील प्रभुपाद को, समझो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद को, जिन्होंने क्या कहा जाए, जिन्होंने संसार भर में खलबली मचाई है, या रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस, संसार भर के कई जीवों के विचारों में क्रांति, भावों में क्रांति, रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस, और उस पाश्चात्य देश के लोग, अब संसार भर के लोग ऐसे नियमों का पालन कर रहे हैं जो उन्होंने कभी सुना भी नहीं था और कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा ऐसी जीवन शैली भी हो सकती है, ऐसे नियम भी होते हैं या पालन करना होता है, या नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण नहीं करना, नॉट ओनली एग्स आल्सो, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ये नियम का पालन करने लगे लोग। दिस वाज अ रेवोल्यूशन। कोई नशा पान नहीं करना। तो जिन देशों में जैसे आप लोग जलपान करते हो, या भोजन के समय कुछ जल का प्याला रखते हो, तो पाश्चात्य देशों में भोजन के समय, या ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के समय, साथ में शराब की बोतल होती है, शराब पीते हैं, शराब जो खराब है, जो राक्षसों का पेय है, राक्षस पीते हैं शराब। तो ऐसा पान करने वाले वालों को श्रील प्रभुपाद ने क्या पान, चरितामृत, चैतन्य चरितामृत का पान, या हरि नामामृत का पान, या चरणामृत, ओके, चैतन्य भगवान के चरणामृत का अभिषेक के उपरांत ऐसा पान करना सिखाया, और वे तैयार हुए, इंक्लूडिंग चाइनीज, जो क्या नहीं खाते, क्या नहीं पीते, स्नेक सूप, खाने पीने वाले चूहे खाने वाले, और क्या क्या कहा जाए आपको, ऐसे लोगों से छुड़वाया ये, ऐसे अभक्ष भक्षण और ये सारे संसार भर के पेय बंद किए, और अवैध स्त्री पुरुष संग, जो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल लाइफ टू हैव अ इलिसिट कनेक्शन, इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री पुरुष संग, तो दिस इज जस्ट अ सेकंड नेचर, या ये जस्ट बाएं हाथ का खेल, ऐसा ऐसे काम धंधे करना, पर स्त्री संग, पर स्त्री पर पुरुष संग करना। तो वो छुड़वाए श्रील प्रभुपाद, ब्रह्मचारी और सन्यासी और गृहस्थ आश्रम की स्थापना की। गृहस्थ आश्रम हुआ करते थे गृह मेधी, और प्रभुपाद उनको गृहस्थ आश्रम ही बनाए, गृहस्थ आश्रम। ये तीसरी बात, और चौथी बात, गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग, जुगाड़ नहीं खेलना, ये बात सिखाई। और लोग संसार भर में समझ रहे हैं और इसका पालन कर रहे हैं,
So, if not worthy, ये बहुत बड़ी घटना है ये नियमों का पालन करने के लिए लोग संसार भर में तैयार हुए हैं, पालन कर रहे हैं. तो ये सब ये सब करो, करना चाहिए, ऐसा उपदेश देने के लिए भगवान श्री प्रभुपाद को निमित्त बनाए. निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन. ये सब फैलना तो था ही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और भविष्यवाणी थी हरि नाम का प्रचार सर्वत्र होगा और सर्वत्र होगा फिर हरि नाम का कीर्तन और सारे संसार भर के लोग नाम नाम से फिर धाम तक नवद्वीप तक पहुंचेंगे जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, उनका जन्म स्थान. तो ये सब होना था, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी और इच्छा. तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद को सेनापति भक्त बनाए, सेनापति भक्त, और उनको ऐसी एम्पावरमेंट दे दी, उनको साक्षाधरी बनाए, श्री प्रभुपाद को निमित्त बनाए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. और ये सारे फिर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना करवाए श्रील प्रभुपाद से. उसके पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ही वो आदेश दिलाए, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को माध्यम बना के या निमित्त बना के. तो भगवान के ये गिने चुने स महात्मा सुदुर्लभ, एक दुर्लभ महात्मा, वेरी रेयर पर्सनैलिटी श्री प्रभुपाद की क्या. तो उनका ये 125वां जन्म वर्ष हम मनाने वाले हैं. अभी मनाओगे, अभी तैयार हो, यू आर रेडी. ओके, सो इफ यू आर रेडी देन आई विल स्टॉप टॉकिंग. अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर और बोलना होगा. और ओके, समय भी बीत चुका है, सो आई विल स्टॉप हियर एंड यू गेट इनटू एक्शन. आप सोचो क्या क्या कर सकते हो. एक तो प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन करना है, स्टडी द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्रील प्रभुपाद. और फिर अब अच्छे प्रभुपाद अनुग बनो और प्रभुपाद के दिए हुए या ऊपर से प्रभुपाद की विल होती है ना, विल होती है हमारे फादर या ग्रैंडफादर की विल, एग्जीक्यूशन होता है उस विल का. तो प्रभुपाद के विल को समझो और उसका एग्जीक्यूशन करो तो प्रभुपाद के शिष्य और फिर प्रभुपाद के आप प्रशिष्य, प्रभुपाद के डिसाइपल्स एंड ग्रैंड डिसाइपल्स मिलके हम ये उत्सव मनाने वाले हैं. तो गेट रेडी.